करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की हवाई हादसे में मौत हो गई। खबर है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच प्रिगोजिन के विमान पर हमला हुआ था। आप आजकल जब भी अपने किसी दोस्त से मिलते होंगे तो सबसे पहले आप यही पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है, और दूसरा सवाल अक्सर यही होता है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्या मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद फिर करोड़ों लोगों का अपना अपना विश्लेषण शुरू हो जाता है, फिर जितने मुंह उतनी बातें। और हमारे देश के लोगों में तो आप जानते ही हैं, हमारे देश के लोगों की रगों में राजनीति बहती है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने अपने आकलन होते हैं, और कहने को तो हमारे देश में हर व्यक्ति अपने आप को क्रिकेट और राजनीति का एक्सपर्ट मानता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम आज ही आपको इस यक्ष प्रश्न का उत्तर बता देंगे तो शायद आप हैरान भी होंगे और आज हमारा शो भी बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने भारत में एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, लोगों के बीच जाकर लोगों की राय जानी है, और लोगों से ये पूछा गया, उनकी राय पूछी गई कि अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो देश की जनता अपना वोट किसे देगी, एनडीए को देगी या फिर इंडिया को देगी। और आप सब भी तो यही जानना चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय भारत का मूड क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, और अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस सर्वे में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर आम जनता से, वोटर से बात की गई है, और यह सर्वे 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया है। यह सर्वे की सारी डिटेल्स आपके सामने है, और इस सर्वे के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया कि अगर आज लोकसभा के चुनाव देश में होते हैं तो भारत में अगली सरकार किसकी बनेगी। और यही तो वो सवाल है जो सब जानना चाहते हैं। आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने दफ्तर में मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, पान की दुकान पर, चाय पीते वक्त चाय की दुकान पर, तो क्या चर्चा चलती है? यही चलती है कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो यक्ष प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं उसी का जवाब हम सबसे पहले देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आखिर में जाकर देखते हैं, क्लाइमेक्स बनाते हैं, लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में ही सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले ही दे देंगे। एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी? जब यह पूछा गया तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारत में एनडीए की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों को आज यह झटका तो जरूर लगेगा, इस सर्वे पर हो सकता है उन्हें विपक्ष भी बनेंगे। और स्वतंत्रता दिवस पर जब उन्होंने लाल किले से अपना भाषण दिया तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं अगले साल भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ही आपको संबोधित करूंगा। उसका कारण क्या है ये आप देख लीजिए। तो देश के लोगों का जो मिजाज है, जो मूड है इस समय भारत का, वो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस दिन शायद पता था। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। भारत के सबसे ज्यादा 43% लोग, 43% नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि इंदिरा गांधी को 15% लोग आज तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को 12% लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 11% और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के सिर्फ 6% लोग ही भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री इस समय मान रहे। तो ये आज जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी को थोड़ा चुभेगा, थोड़ा सा झटका उन्हें जरूर लगेगा, और थोड़ी देर के लिए यह भी लगेगा कि उनकी सारी मेहनत जो 4 साल की है वो ऐसा लग रहा है कि बेकार चली गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है उनका काम और उनका विकास का एजेंडा। इस सर्वे के मुताबिक भारत के 42% लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 21% लोग उनके काम को सिर्फ अच्छा मानते हैं। तो देखिए 42% लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा, 21% लोग कहते हैं अच्छा, 13% लोग कहते हैं सामान्य काम किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 12% लोग कहते हैं खराब काम कर रहे हैं मोदी, और 10% लोग उनके काम को बहुत खराब की श्रेणी में रखते हैं। पूरा ब्रेकअप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कहने वाले लोग हैं 42%,
अच्छा कहने वाले लोग हैं 21%, और अगर आप सामान्य को भी मान लें, क्योंकि सामान्य को भी आप नेगेटिव नहीं मानेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम को अच्छा मान रहे हैं। तो आप देखिए कि 42 और 21 को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 63% लोग हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या तो अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो 63% लोग तो सीधे सीधे यहीं आ गए। इस सर्वे के मुताबिक हमने लोगों से ये भी पूछा इस सर्वे के दौरान कि जब वो किसी पार्टी को अपना वोट देंगे तो उस वोट का आधार क्या होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग अगर मोदी को वोट दे भी रहे हैं, बीजेपी को वोट दे भी रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने यह कहा कि वो बीजेपी को ही इस बार वोट देंगे, उनमें 44% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी को वोट देंगे। 22% लोगों ने कहा कि वो विकास के लिए बीजेपी को वोट देंगे। 14% लोगों ने कहा कि वो हिंदुत्व के लिए बीजेपी को वोट देंगे, और सिर्फ 8% लोगों ने कहा कि वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए बीजेपी को वोट देंगे। यानी इस सर्वे से इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को लगभग आधे वोट सिर्फ मोदी के नाम पर मिल रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है आपके सामने। सोचिए, 44% लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, हम तो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देंगे, और ये बीजेपी के लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि उनके पास एक ऐसा नेता है जो कि सिर्फ अपने नाम पर, उनके पास एक ऐसा ब्रांड है कि उस ब्रांड की चमक के आधार पर ही बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिल जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी एक बार आए, उन्होंने एक बार इस तरह हाथ जोड़े, एक बार हाथ हिलाया, और एक बार ये कह दिया कि मुझे वोट दीजिए, तो आधा काम तो ऐसे ही बन गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत बचेगी नहीं, तो इससे तो ये पता चलता है। लेकिन बीजेपी के लिए बुरी बात यह है कि अगर सारे वोट मोदी के नाम पर ही पड़ रहे हैं तो फिर बाकी के नेता क्या कर रहे हैं और बाकी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, जिसमें ये जो देश है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा वो लोग होंगे जिन्हें मोदी चाहिए, और एक हिस्सा वो जिसमें वो लोग होंगे जिन्हें मोदी नहीं चाहिए। तो आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंसाइट मैं आपको ये दे सकता हूं इस सर्वे के आधार पर, जो दिखाई देता है कि आने वाले चुनाव में देश में एक ही मुद्दा है और वो है मोदी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसको देख सकते हैं, पूरा देश दो रंगों में बट जाएगा, एक ब्लैक और एक व्हाइट। और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी, और देश दो हिस्सों में बटेगा। एक तरफ वो लोग होंगे जो मोदी को हर कीमत पर लाना चाहते हैं वापस तीसरे टर्म के लिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोदी को रोकना चाहते हैं। बस यही है। इस सर्वे में देश के 33% लोगों ने यह कहा कि 2024 में बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर के मुद्दे से ज्यादा अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वोट मिलेंगे। तो वहां देखिए, थोड़े दिन पहले एक बैठक हुई थी बीजेपी के सांसदों की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे, और ऐसा कहा जाता है सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से यह कहा कि आप मेरे नाम पर वोट मत मांगिए, मेरे काम पर वोट मांगिए। मोदी का नाम तो बहुत हो ही रहा है, मोदी के नाम को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर नहीं, मोदी के काम पर वोट मांगिए। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं को और अपने सांसदों को चुनाव से पहले कहा है। अब यह बात अलग है कि मोदी के नाम पर ही वोट आ रहे हैं, काम पर भी आ रहे हैं, लेकिन नाम पर ज्यादा वोट आ रहे हैं। लेकिन काम पर लोग क्या सोचते हैं यह आंकड़ा आपको बताएगा, क्योंकि इस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल मुद्दे हुआ करते थे, जो पारंपरिक मुद्दे हुआ करते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, और इतने वर्षों से बीजेपी लोगों से जो वादा करती आ रही है, वो वादे कौन से थे? वो वादे थे राम मंदिर का वादा, वो वादा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई का वादा, वो वादा था समान नागरिक संहिता का वादा। यही तो वादे थे, और इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए देश के लोगों ने बीजेपी को चुना। और जो बीजेपी का जो हार्ड कोर वोटर है, जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो हिंदुत्व को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता है, वो बीजेपी से यही उम्मीद भी करता था। अब देखिए, इन सारे वादों में राम मंदिर का वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया,
कश्मीर से 370 की विदाई का वादा भी बीजेपी ने पूरा कर दिया। समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये वादा पूरा हुआ है, क्योंकि कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है और बाकी जो कुछ राज्य हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में लागू कर दें। और समान नागरिक संहिता पर इस समय काफ़ी तेज़ी से ये सरकार काम कर रही है, लेकिन लोग तो कुछ और कह रहे हैं। लोग ना तो राम मंदिर पर वोट डाल रहे हैं, ना 370 पर डाल रहे हैं, ना समान नागरिक संहिता पर डाल रहे हैं, मतलब कम डाल रहे हैं। अगर आप इनको मिला लेंगे तो शायद अच्छी संख्या बनेगी, 17% 12% प्लस 8%, या अगर आप मिला लेंगे तो ये अच्छी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो धड़ा है जो बीजेपी को वोट देना चाहता है 33% का, माफ कीजिएगा, जो 37% जो लोग हैं, ये लोग ये जो अर्थव्यवस्था वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी की और इस सरकार की जो अलग अलग लाभकारी योजनाएं हैं ये उनके लाभार्थी हैं। बीजेपी अक्सर ये बात कहती है, ये सरकार ये बात कहती है कि हमने एक नया वोट बैंक बना लिया है, और ये नया वोट बैंक ना तो जाति के आधार पर है और ना धर्म के आधार पर है। ये नए वोट बैंक का नाम है लाभार्थियों वाला वोट बैंक, यानी वो लोग जिन्हें इस सरकार से सीधे सीधे लाभ मिल रहे हैं, जिन्हें घर बैठे मुफ्त का राशन मिल रहा है, जिन्हें गैस का सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला योजना के तहत, जिनके बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं, जिन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर दवाइयां मिल रही हैं, जिनका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया गया है, जिनके बैंक में सीधे पैसे आ रहे हैं, और अलग अलग जो बीजेपी के लाभार्थी योजनाएं हैं, ये वो लोग हैं। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जो धड़ा है, ये वही है जो ये कहता है कि इन विकास के कामों के आधार पर और इस तरह की योजनाओं की वजह से वो बीजेपी को वोट देंगे। तो ये एक बहुत दिलचस्प इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी ने ऐसा खड़ा कर लिया है, गरीब लोगों का वर्ग, जिन्हें सीधा लाभ मिल रहा है इस सरकार से, वो इस सरकार को ही वोट आगे चलकर देंगे। लेकिन ये जो मूड है ये लोगों का, ये आपको बड़े बड़े शहरों में पता नहीं चलेगा। ये दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, अंग्रेजी बोलने वाले जो हमारे लोग हैं, जो आम चेयर जिन्हें थिंकर्स कहते हैं हम, जो अपना अपना आकलन करते रहते हैं, जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, गरीब लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपको देश का ये मूड पता नहीं चलेगा। इसके अलावा देश के 54% लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 54% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, 41% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। और आप याद कीजिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उससे पहले देश की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, और यूपीए सरकार में उस समय कई तरह के घोटालों के आरोप लगते रहते थे। लेकिन मौजूदा सरकार में इस सर्वे के मुताबिक देश के 54% लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार ने आकर देश में भ्रष्टाचार को कम किया है। तो ये एक जो बड़ा मुद्दा है, हाल ही का जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था 15 अगस्त पर, उन्होंने तीन मुद्दे बताए थे जो इस देश में वो सबसे तीन बड़े मुद्दे मानते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवारवाद, और तीसरा है तुष्टीकरण का मुद्दा। और उनमें से एक मुद्दा जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा हमेशा बात की है और जोर दिया है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। अब विपक्ष का जो आरोप है वो यही रहता है हमेशा कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हो रही हैं। लेकिन जनता के बीच में जब गए तो 54% लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम तो हुआ है। इस सर्वे में भ्रष्टाचार के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने भी लोगों का काफी ध्यान खींचा है। 72% लोगों ने यह माना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू किया गया तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, और 17% लोगों ने कहा कि इसके लागू होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 72% लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, 17% लोग कहते हैं नहीं होगा, 10% लोग कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कि फायदा होगा या नुकसान होगा। अब ये तो बीजेपी की बात हो गई, और ये सारे आंकड़े देखकर आज जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उनके जो नेता हैं वो तो हो सकता है शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे, और उन्हें लगेगा कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि ये आंकड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी विपक्षी गठबंधन की जो सुई है वो हिल नहीं रही है। जहां थी वहां वहीं पर है, और अगर हिली भी होगी तो ज़रा मामूली सी सुई हिली होगी जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए
विपक्ष के बारे में लोग क्या कहते हैं और जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, अब उनकी बारी है, अब उनका आकलन शुरू होता है। उन्होंने जो इतनी मेहनत की है वो लोगों को पसंद आ रही है नहीं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो इस सर्वे में हमने विपक्ष के इंडिया गठबंधन और खास तौर पर राहुल गांधी के बारे में भी लोगों से सवाल पूछा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी आजकल बहुत टीवी पर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इस देश में उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोली और कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो एक हिंदी फिल्म के हीरो की तरह अब देश के लोगों को नज़र आ रहे हैं। लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ है क्योंकि उनका उनकी लोकसभा की सदस्यता पहले ले ली गई, फिर उनका सरकारी बंगला ले लिया गया और लोगों को लगा कि इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो अब देखिए इन मुद्दों पर देश के लोग क्या कहते हैं। लोगों से जब हमने ये सारे सवाल पूछे तो पहला सवाल ये था कि वो कौन सा नेता है जो कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है, कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंक सकता है, ऐसा कौन सा नेता है। सबसे ज्यादा 32% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता है जो ये काम कर सकता है। 32% लोगों की पसंद राहुल गांधी के बारे में है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो कांग्रेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस जीत दिला सकते हैं। 12% लोगों ने सचिन पायलट का नाम लिया, 12% लोगों ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, 9% लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया और सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टियों के नेताओं के का जो का सर्वे है ये उनका है कि लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी पहली पसंद किसे मानते हैं। तो बेशक से आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी औपचारिक पद पर नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन जनता ये मानती है कि राहुल गांधी ही वो अकेले नेता हैं जो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। 32% लोग उनके साथ हैं। अब सरप्राइजिंग बात जो है वो ये कि अगली जो पसंद है वो है सचिन पायलट। आज अशोक गहलोत को शायद ये बात बुरी लगेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, लेकिन देश के लोग सचिन पायलट को अच्छा नेता मान रहे हैं, नंबर दो पर रख रहे हैं। तीसरे नंबर पर या सचिन पायलट के बराबर ही 12% लोग मनमोहन सिंह को भी अच्छा नेता मान रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की उम्र अब ऐसी हो चुकी है, उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो दोबारा सक्रिय राजनीति में आ सकें, इसलिए अभी आप उन्हें डिस्काउंट कर सकते हैं। 9% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को मानते हैं कि वो भी कांग्रेस में नई जान फूंक सकती हैं और दुर्भाग्य ये है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लोकप्रियता के मामले में सबसे पीछे हैं, यानी सिर्फ 3% लोग उन्हें अच्छा नेता मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। विपक्ष के नेता के तौर पर 34% लोग राहुल गांधी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा मानते हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है 34% लोग कह रहे हैं, 18% लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, 15% लोग कह रहे हैं कि सामान्य काम किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 27% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अपने प्रदर्शन से न्याय नहीं कर पाए हैं। तो वो 27% लोग उनके प्रदर्शन को खराब मान रहे हैं। लेकिन यहां भी अगर आप देखें, अगर आप 34 और 18 को जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 8 और 4 = 12, 3 और 1 = 4 और 1 = 5, 52%। तो 52% लोग आज भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है, इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें अभी तक कोई स्पष्ट नेता नहीं मिला है उस गठबंधन को, उस गठबंधन का नेता कौन होगा, वो गठबंधन किस नेता के नाम पर वोट मांगेगा और अगर वो गठबंधन जीतता है तो कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो विपक्ष के नेता के तौर पर इस गठबंधन का एक चेहरा होना चाहिए, वो चेहरा कौन सा होना चाहिए जिसे आप पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं। तो अगर इस आंकड़े को आप देखें तो वो चेहरा राहुल गांधी का चेहरा हो सकता है कि राहुल गांधी इस समय सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के तौर पर लोकप्रिय नजर आ रहे हैं और 52% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छा या बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े को विपक्षी दलों के जो नेता हैं
और इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन है उनके नेताओं को इस आंकड़े को ध्यान से देखना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अगर ये आंकड़ा सही उन्हें लगता है तो फिर उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता घोषित करके राहुल गांधी के चेहरे पर फिर वोट मांगना चाहिए। हालांकि 47% लोग ये मानते हैं कि गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जो सवाल उठाए थे वो सही थे, जबकि 35% लोगों ने यह कहा कि वो इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों को सही नहीं मानते। आप जानते हैं गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो हमारे देश की पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था और इस मुद्दे को सबसे जोर शोर से उठाया था राहुल गांधी ने। अब जब हम जनता के बीच में गए, जनता क्या सोचती है? देखिए, मीडिया ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, रोज इस पर मीडिया में, अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर बहस होती थी, हेडलाइंस छपती थी। लेकिन लोग अडानी के मामले में जो सरकार ने सफाई दी उससे कन्विंस्ड हैं, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोगों को वो विश्वसनीय लगता है? अब ये अडानी के मामले पर आप ये आंकड़ा देखिए। और मैं चाहूँगा कि गौतम अडानी जो हैं वो भी अगर इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं तो उन्हें भी ये देखना चाहिए। मैं फिर से आपके सामने वो आंकड़ा रखना चाहता हूँ जो गौतम अडानी के मामले में आया है। देखिए, गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, 47% लोगों का कहना है कि वो आरोप उन्हें सही लगते हैं और 35% लोगों का कहना है कि ये आरोप उन्हें सही नहीं लगते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये मोदी सरकार के लिए खतरनाक आंकड़ा है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसका मतलब जो सफाई दी है वो सफाई लोगों को विश्वसनीय नहीं लगी है। तो गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पीट दिया है, ये आंकड़ा ये बताता है। और ज्यादातर लोग गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ नहीं है। 47% और 35% का आंकड़ा आपके सामने है। 44% लोग ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है, अच्छी हुई है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 33% लोग मानते हैं कि उनकी छवि वैसी ही है जैसी पहले थी और इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ। और 13% लोग ये मानते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि अच्छी नहीं बल्कि खराब हुई है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी जिसके जरिए वो कई महीनों तक लगातार मीडिया की हेडलाइंस में छाए रहे। हर रोज न्यूज चैनल्स पर उनकी इस यात्रा की कवरेज होती थी, हर रोज अखबारों में उनके बारे में खबर छपती थी, हेडलाइंस छपती थी और लोग लगातार उन्हें कई हफ्तों तक हर रोज इस तरह भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ढेर सारे इंटरव्यूज दिए, लोगों से बातचीत की और ये तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो पूरी योजना बनाई थी वो राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की योजना थी कि इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर लोगों के सामने स्थापित करेंगे। और अब आप याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं। तब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक तपस्वी की तरह लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की थी। आप याद कर लीजिए, जब उनकी तपस्वी वाली जो छवि थी और जब वो कन्याकुमारी से आखिर में कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंचे तब तक उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी और वो वाकई एक तपस्वी की तरह नज़र आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं काटी, अपना पूरा लुक उन्होंने बदल लिया था। और एक और बात थी, आपको याद होगा इस पूरे दौरान उन्होंने एक हाफ स्लीव की टी शर्ट पहने रखी। इस दौरान कई जगह मौसम खराब था, बारिश हुई, बहुत सारी जगह बहुत सर्दी थी, ठंड भी थी, लेकिन उन्होंने इस टी शर्ट को ही पहने रखा। तो ये टी शर्ट जो है उनका ट्रेडमार्क बन गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी उनका ट्रेडमार्क बन गई थी। और उन्होंने लोगों को ये बताया कि मैं एक अनुशासित नेता बन सकता हूँ। पहले वो बार बार छुट्टी पर चले जाया करते थे, लोग कहते थे कि वो गंभीरता से राजनीति को लेते नहीं है, ही इज़ नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, ये कहा करते थे लोग। और कहते थे कि वो तो लगातार इतने महीनों तक कभी भारत में रह ही नहीं सकते, बिना छुट्टी के काम ही नहीं कर सकते। ये सारी जो लोगों के बीच में जो उनकी छवि थी, इस छवि को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तोड़ा और कहा कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, मैं लगातार इतने दिनों तक बहुत कड़ी मेहनत कर सकता हूँ और मैं एक तपस्वी की तरह हूँ। और तपस्वी को जिस तरह सर्दी नहीं लगती, तपस्वी के शरीर पर मौसम का असर नहीं पड़ता, मैं वैसा तपस्वी हूँ, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब वापस वो आंकड़ा देखिए,
ये जो पूरी पदयात्रा है हजारों किलोमीटर की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ये राहुल गांधी के काम आई या नहीं आई? इस दौरान बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी का विरोध किया। विरोध करने का मतलब ये कि उन्होंने लगातार ये कहा कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है, ऐसी पदयात्राओं से कुछ नहीं होता। लेकिन 44% लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि इससे बेहतर हुई है, यानी भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राहुल गांधी को मिला है। मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली थी, उस दुकान का राहुल गांधी को फायदा मिला है। वो जो तपस्वी वाली छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, उसका फायदा मिला है। वो जो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट लगातार पहने रखी, उसका फायदा राहुल गांधी को मिला है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अगर कोई नेता दिल लगाकर मेहनत करे, लगातार अनुशासन के साथ हर रोज जनता के बीच में जाए, तो उससे फायदा होता है और राहुल गांधी जैसे नेता को भी फायदा हो सकता है। इसलिए यह बाकी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो नेता जो अक्सर जनता के बीच में नहीं जाते, वो नेता जो बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, वो नेता जो सिर्फ परिवारवाद के आधार पर ही वोट पा लेना चाहते हैं, उन नेताओं के लिए एक सीख है कि कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का जो ये इकलौता वारिस है, राहुल गांधी जैसे नेता को भी मेहनत करनी पड़ रही है। इस देश के लोगों ने मेहनत करवा दी उनसे, उन्हें भी पैदल चलना पड़ रहा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसका उन्हें फायदा भी मिला है। आंकड़ा आप देख लीजिए, 44% लोग ये कहते हैं कि उनकी छवि पहले से बेहतर हुई है, 33% कहते हैं वैसी की वैसी ही है, उनकी छवि कभी नहीं बेहतर हो सकती, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और 13% लोग कहते हैं कि छवि पहले से खराब हुई है। अब देखिए, ये तो नेता की बात हो गई, नेता के तौर पर हमने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया। अब देखिए कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये नरेंद्र मोदी को अच्छी टक्कर दे पाएगा? इसका नाम तो बड़ा शानदार रखा था, इंडिया। लोगों ने कहा था कि क्या आइडिया है, इंडिया नाम से पहला आधा काम तो नाम रख के ही हो गया। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए 24% लोग राहुल गांधी को बिल्कुल सही नेता मानते हैं। तो इंडिया गठबंधन वाले जो नेता हैं वो कृपया ध्यान दें, इंडिया गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो कृपया ध्यान दें, हमारी बात ध्यान से सुने। पूरे इंडिया गठबंधन में उसका नेता कौन होगा? गठबंधन का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ा नेता कौन है, और किस नेता को पोस्टर पर उसका चेहरा लगाकर वोट मांगने चाहिए, वो नेता कौन है? 24% लोग कहते हैं वो नेता है राहुल गांधी, यानी इंडिया गठबंधन में नंबर एक पर हैं राहुल गांधी। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 15% लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा ही टफ कॉम्पिटिशन है, इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 15% लोग ये मानते हैं कि वो सबसे बड़े नेता होने चाहिए इंडिया गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सिर्फ 6% और अखिलेश यादव को सिर्फ 5% लोग ये मानते हैं कि ये भी इस गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरी तस्वीर समझ में आ गई होगी। इस समय विपक्षी पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेता हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। तो ये तीन चेहरे अभी आपके सामने रहेंगे, राहुल गांधी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से काफी आगे हैं। इन्हें 15% लोग वोट अपना दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को 24%। पहले भी हमने कहा था कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है, उनके नेता अगर इस समय हमें सुन रहे हैं तो उन्हें ये देख लेना चाहिए कि जनता की राय क्या है, जनता राहुल गांधी को चाहती है। हालांकि इसी सर्वे में 54% लोगों ने यह कहा कि इंडिया नाम का ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये मोदी को हरा नहीं सकता, जबकि 33% लोगों ने कहा कि ये गठबंधन मोदी को हराने की ताकत रखता है। तो ये भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह स्पष्ट आपके सामने लोगों की मर्जी है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी को हरा सकता है? 54% लोग कहते हैं नहीं हरा सकता, सिर्फ 33% लोग कहते हैं हरा सकता है। इसी सर्वे में 39% लोगों ने यह कहा कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से विपक्षी दलों को फायदा होगा और इससे विपक्ष को वोट भी मिल सकते हैं। तो आपको याद होगा जब विपक्ष ने यह घोषणा की थी कि हम अपना नाम इंडिया रख रहे हैं, तो उस दिन पूरे देश में ये जो नाम है इंडिया, ये चर्चा का विषय बन गया था।
और लोगों ने कहा कि वाह क्या नाम है, क्या आइडिया है। तो ये आप देखिए, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर लोगों की राय क्या है। उस दिन कहा गया था कि ये तो बहुत ही विनिंग आइडिया है, ये इंडिया नाम ध्यान खींचेगा और इससे वोट मिलेंगे, 39% लोगों का यह मानना है। यह सिर्फ ध्यान खींचेगा लेकिन वोट नहीं खींचेगा, 30% लोगों का मानना है। वोटर पर इसका कोई असर नहीं होगा, 18% लोगों का मानना है। तो अगर आप 30 और 18 को जोड़ लेंगे तो यह बनता है 48%। तो आप यह मान लीजिए कि 48% लोगों की राय यह नहीं, यह है कि वोटों का, इस वोटों पर इंडिया नाम का कोई असर नहीं पड़ेगा, और 39% लोगों का यह कहना है कि इससे ध्यान भी लोगों का खींचा जाएगा और इससे वोट भी मिलेंगे। तो यहां यह पता चलता है कि इंडिया नाम तो बड़ा अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान भी इससे गठबंधन की तरफ जाता है, नाम में कोई बुराई नहीं है, और यह राहुल गांधी का क्योंकि आइडिया था तो नाम अच्छा है, नाम लोगों को पसंद आया है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, काम से वोट मिलते हैं, इसलिए सिर्फ इंडिया नाम से वोट नहीं मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, 25% लोगों का कहना है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत ही अच्छी रही है। तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता क्या है, आप देखिए 2014 में और 2019 में बीजेपी तो यह कहती थी कि कांग्रेस पार्टी इस काबिल भी नहीं है कि उसे प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा दिया जाए। बीजेपी के नेता यह कहते थे कि ये तो विपक्षी दल है ही नहीं, और जो इसका नेता है उसे आप विपक्षी दल का नेता भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सीटें इतनी कम थी, उनका वोट शेयर इतना कम था। तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जो भूमिका है वो कैसी रही है अभी तक, 25% लोग कहते हैं बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी ने, 18% लोग कहते हैं अच्छी भूमिका निभाई है, 17% लोग कहते हैं सामान्य है, 21% लोग कहते हैं बहुत खराब भूमिका निभाई है, और 11% लोगों ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को बहुत ही खराब मानते हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ही मैं कहूंगा कही जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक विपक्षी दल के तौर पर एक अच्छी या बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मोदी सरनेम के बारे में मानहानि मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, आपको याद होगा, वो देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना था जब लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आपने याद होगा गुजरात में वो मामला चला था मोदी सरनेम को लेकर, मानहानि का मुकदमा था जिसमें राहुल गांधी को दोषी पाया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता को बाद में बहाल कर दिया गया था। लेकिन इस पर भी हमने लोगों से सवाल पूछा, और इस सवाल के जवाब में 31% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को कानून के हिसाब से सजा दी गई थी। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई है, राहुल गांधी की सदस्यता, संसद की सदस्यता जाने पर लोगों के विचार, 31% लोग कहते हैं कि उन्हें कानून के हिसाब से ही सजा दी गई है। यह जनता की अदालत क्या कहती है, अदालत जो कानून की है उसका फैसला तो आपने देख लिया था, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा था, गुजरात की निचली अदालत ने क्या कहा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये तो आप जानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो लोग ऐसा कहा जाता है कि लोगों की जो अदालत है, जनता की अदालत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो जनता की अदालत क्या कहती है, जनता की अदालत कहती है 31% लोग कहते हैं कानून के हिसाब से सजा दी गई, बिल्कुल सही सजा दी गई है। 21% लोगों का कहना है कि भाई ज्यादती हो गई, सजा काफी सख्त थी, इतनी सख्त सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन बड़ी बात क्या है, 31% लोग ये मानते हैं कि ये एक सियासी साजिश थी, बीजेपी के लिए बुरी खबर है, बैड न्यूज है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई। और लोग जब ये सारी तस्वीरें देख रहे थे कि लोकसभा से उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, कैसे उनके सरकारी बंगले पर ताला लगाया जा रहा है, वो अपना बंगला छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इन सब तस्वीरों का लोगों पर असर हुआ और लोगों की जो सहानुभूति है वो राहुल गांधी के साथ चली गई। आपको याद होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना ये बंगला सरकार को सरेंडर किया था, उस दिन उन्होंने अपना ये वीडियो बनवाया था। इस वीडियो में उनका पूरा परिवार है, उनका जो स्टाफ है वो है, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनकी माँ सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी अपने हाथ से